आज अल सुबह हरदेई बुजुर्ग में एक रेल हादसा हुआ था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उस ट्रेन में यात्रा कर रहे टीटी अनिल सिंह, जिनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या था पूरा मामला। अनिल जी, क्या हुआ था घटना के वक्त, पूरी बात जानना चाहेंगे। गाड़ी तो चल रही थी आराम से, आराम माने गाड़ी अपना स्पीड से चल रही थी, अब एकाएक झोल होने लगा, वो कपलिंग टूट के आ गया, इंजन चला गया, इधर मैंने बिना ब्रेक के मैंने अब गाड़ी हिलने डुलने लगे, इधर पलटा, फिर के बाद भूकंप आ गया, भूकंप आने के बाद गाड़ी पलट गई। क्या स्थिति रही उस समय जिस वक्त ये हादसा हुआ, आप भी उसी में फंसे थे? बस चिल्ले खून नहीं था। आपको भी चोट लगी थी, कहाँ चोट लगी? चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो स्थिति देखने के बाद कलेजा एकदम फट गया था, शरीर में एक बूंद खून नहीं था। कितने लोग घायल रहे होंगे उस समय जब ये हादसा हुआ था, आपकी नज़र में क्या क्या स्थिति था? घायल में कोई मैंने दम नहीं था, गाड़ी यहाँ मैंने ऐसे हिला, फिर ऐसे हिला, फिर इसके बाद मैंने पूरा भूकंप हुआ, आने के बाद धीरे धीरे गाड़ी गया। अगर बात की जाए राहत बचाव कार्य की, रेलवे की तरफ से तमाम एजेंसियां लगी हुई थी, तो किस तरह से राहत बचाव किया जा सके, उसमें कितना समय लगा उसको मिला के? वो आधा घंटा 45 मिनट, आधा घंटा के 45 मिनट में मैंने सब अधिकारी लोग आने लगे। इस दौरान यात्री उसमें फंसे रहे या परेशान होते रहे? यात्री लोग तो लगभग निकल गए थे, इसलिए कि वहीं पर गाँव था और गाँव के लोग बहुत सहयोग किए, बहुत जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा सहयोग किए थे गाँव। कैसे बचाव कार्य किए? गाड़ी गिरा तो सब मैंने पहले तो हम निकल गए, एक बाद मैंने भोर हलंगा पूरा गांव के लोग मैंने इकट्ठा लाइट टार्च लेकर के दौड़े, सीढ़ी लेकर के आए, जो गाड़ी पलटी थी सीढ़ी लेकर, सीढ़ी से मैंने जितना लोग निकले सीढ़ी से उतारते गए, उतारते सबको धीरे धीरे निकाले, पकड़ के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिया करके फिर मैंने किए। अब बात की जाए, अगर आप सही सलामत बच गए, अच्छी बात है, तो कितना खुश अपने आप को खुश मान? बहुत खुश समझ रहे हैं सर, लेकिन अभी भी कलेजा धक धक कर रहा है। तो ये हमारे साथ थे अनिल सिंह जी, जिनका साफ तौर पर बताना है, किस तरह बता रहे हैं कि ये घटना पूरी तरह से कितनी भयावह थी। कमलेश गिरी, ईटीवी भारत, डीडी नगर, चंदौली।